Hello, good afternoon students. So today we are going to study compound of aluminium. Okay, so pichle video mein humne dekha tha physical properties of aluminium and chemical properties of aluminium. Then uske baad humne padha tha compounds of aluminium. Aluminium ke kon kon se compounds hain. To usme humne padha tha aluminium oxide. Okay, so aluminium oxide matlab Al2O3. Okay, that is called as the alumina. ओके एलुमिना, तो इसकी हमने स्टडी की थी, उसकी प्रिपरेशन देखी थी हमने, प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी हमने. ठीक है, उसके पहले हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलुमिनियम ये देखा था. ओके, सो आज हम देखेंगे, ये तो पहला कंपाउंड हो गया एलुमिनियम का. सेकंड कंपाउंड कौन सा है उसका? सेकंड कंपाउंड है एलुमिनियम क्लोराइड. ओके, this is the formula of that compound AlCl3.6H2O. okay, उसके बाद हम तीसरा जो compound है aluminium का वो कौन सा है? alums, जो कि एक बहुत important compound है aluminium का. okay, so आज हम पढ़ेंगे ये दो compounds, aluminium chloride AlCl3.6H2O and alums. okay, so let's start today's class. so start करते हैं पहला compound से, एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता है AlCl3.6H2O, मतलब यहाँ पर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ओके हाइड्रेशन होता है, सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है. तो जनरली ये हाइड्रेटेड फॉर्म है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, मतलब क्या हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब क्या यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, सो इफ वाटर इज प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम क्लोराइड देन इट्स लुक्स लाइक दिस, इट्स कलर इज येलो कलर. ओके, या अपर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में. ठीक है, दिस इज येलो कलर्स कंपाउंड्स मींस AlCl3.6H2O, यहाँ पर सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अगर ये अनहाइड्रस फॉर्म में होता है, अनहाइड्रस फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये AlCl3 इस फॉर्म में है, तो ये कुछ व्हाइट कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है. ठीक है, तो जैसे हमने कॉपर सल्फेट में देखा था, ठीक है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है. ठीक है, वैसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड भी होता है. ठीक है, तो देखते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं. बाय डिजॉल्विंग एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को डिजोल्व किया जाता है. ओके, सो Al2O3 और AlOH3, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये डिजोल्व किया जाता है इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम इसको डिजोल्व करते हैं, फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन. ओके, उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड 6H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड है. इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो उसकी रिएक्शन देखो, एल्युमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब होती है तब एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है. दिस इज द अनहाइड्रस, ओके, दिस इज द अनहाइड्रस फॉर्म, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है. इसके साथ यहाँ पर थाइस H2O के मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई रिएक्शन स्किप. देन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तब यहाँ से भी हमको एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है और थाइस H2O के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखो एल्युमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब होती है. ठीक है, एल्युमिनियम की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है, देखो AlCl3 कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, ठीक है, ये तो नहीं है वीडियो. ठीक है, ये वीडियो है हाउ टू मेक एल्युमिनियम क्लोराइड. ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड किस तरह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कोरोसिव, क्लोरीन गैस इज टॉक्सिक, हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल, वी आर प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग दीस केमिकल्स. For this reaction, 2 grams of aluminium and 20 milliliters of concentrate hydrochloric acid were used. For aluminium, common household aluminium foil and 12.1 m hydrochloric acid were used for the reaction.
ठीक है, तो यहाँ पर हमने भेकर लिया है, ठीक है, 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। बाय लिटिल पोर्शन एट द बिगिनिंग रिएक्शन वाज स्लो, व्हेन एल्युमिनियम स्टार्ट रिएक्शन इट जनरेट्स यहाँ पर हमने ऐसे लिया है, हेल्प्स टू कैरी ऑन द रिएक्शन फास्ट। इसके बाद हम यहाँ पर एल्युमिनियम डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने एल्युमिनियम डाला है। तो ये रिएक्शन थोड़ा टाइम लेगी, इट टेक्स वाइल टाइम, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो चुका है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द जनरेटेड हीट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एस्केपिंग फ्रॉम द एसिड एंड आई प्लेस वॉच ग्लास टॉप ऑफ द बीकर। ठीक है, तो रिएक्शंस यहाँ पर चालू हैं। Then I added another 10 milliliters of acid to make sure all the aluminium had reacted. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा ऐसे यहाँ पर डाल दिया है, एल्युमिनियम भी डाल दिया है, ठीक है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम वाटर डालेंगे यहाँ पर, सो मेनी इंप्योरिटीज, देन आई फिल्टर द सॉल्यूशन। एंड वाटर किस लिए जाता है, डाला जाता है ताकि यहाँ पर कोई भी अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में तो हम उस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब हम इसको फिल्टर करेंगे तब हमको यहाँ पर फिल्ट्रेट मिलेगा और रेसिड्यू भी मिलेगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेट यहाँ पर देख सकते हो, फिल्ट्रेट चालू है, फिल्ट्रेशन। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड सॉल्यूशन टू बीकर एंड स्टार्टेड टू इवेपोरेट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो चुका है, तो ये एक्वियस सॉल्यूशन है उसका, तो हम इसको इवेपोरेशन के लिए रख देंगे, ठीक है। व्हेन सॉल्यूशन वाज बॉइलिंग इट टर्न्ड इनटू येलो कलर ड्यू टू द अनरिएक्टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग क्लोरीन गैस। यहाँ पर येलो कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। जब हम हीट करेंगे तो क्लोरीन गैस निकल जाएगी और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एल्युमिनियम क्लोराइड बचेगा। सो दिस इज द एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके। यूजफुल केमिकल, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं उसको, ड्राई करने के बाद, ठीक है, ये है हो गया हमारा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ओके। तो इस तरीके से हम इसको वेट करते हैं, ठीक है। इफ यू रिमेंबर आई स्टार्टेड विद 2 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम मेटल एंड दिस फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्युमिनियम क्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है, तो एल्युमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब होती है तब एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है अलोंग विद द वाटर, ओके। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं, द हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब जहाँ पर 6H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, व्हेन हीटेड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ओके। जब हम इसको हीट करते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इस केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, Al2O3 फॉर्म होता है। हेंस अनहाइड्रेट सॉल्ट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हम अनहाइड्रस सॉल्ट डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, सो डायरेक्टली अगर हमको प्रिपेयर करना है तो दूसरी मेथड्स हमको अप्लाई करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हेंस एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन अगर हमको अनहाइड्रस सॉल्ट फॉर्म करना है तो, ठीक है, डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्युमिनियम क्लोराइड डॉट 6H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसको जब हम हीट करते हैं तब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फॉर्म होता है,
ओके। जब ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर से हम इसको हीट करते हैं तब एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। जब हम उसके नेट रिएक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये कट गया, ये कट जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्वाइस AlCl3.6H2O को जब हम हीट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 6HCl मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द रिएक्शंस, ओके। सो हम डायरेक्टली एल्युमिनियम क्लोराइड अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड इस मेथड से नहीं फॉर्म कर सकते, तो इसके लिए अनदर मेथड से देखते हैं यहाँ पर। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड किस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखना है प्रिपरेशन ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, AlCl3 कैसा प्रिपेयर करना है हमको, अनहाइड्रस, ठीक है, जहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन, पास करके और HCl गैस पास करके ओवरहीटेड एल्युमिनियम पाउडर, ओके, ओवरहीटेड एल्युमिनियम पाउडर के ऊपर ड्राई क्लोरीन गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस पास करके हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक, ठीक है, एक ट्यूब लिया है, ग्लास ट्यूब, कंडेंसर, ठीक है, इसमें हमने एल्युमिनियम की फॉइल यहाँ पर डाल दी है, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल डाल दी है और इसको कवर्ड, रिएक्शन ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ सिलेंडर ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर जहाँ से हम क्लोरीन गैस पास करेंगे, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम फॉइल है, इसके अंदर डाल दिया है, as the chlorine is passed into the reaction, जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, you can notice it's very pale green, और इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, the reaction is initiated with a gentle heat, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हीटिंग चालू है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये मेल्ट हो चुका है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड इज वोलेटाइल एंड कैन बी सब्लाइम्ड बाय हीटिंग, द सॉलिड रैपिडली डीकंपोजेस, वोलेटाइल होता है मतलब वो सब्लाइम, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज फर्दर ब्रोकन डाउन एट अ हायर टेंपरेचर्स टू एल्युमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज। इसको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, नियर अबाउट 295 डिग्री सेल्सियस या ऊपर, ठीक है। अब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको हम कंडेंस करते हैं, ओके, तो कंडेंस होने के बाद, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉलिड अंडर अनहाइड्रस कंडीशंस, तो यहां पर अनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड लाइन प्रोटेक्शन ट्यूब prevents any moisture from the air and into the room. This is the unhydrous aluminum chloride. At room temperature, aluminum chloride is an ionic solid of the formula AlCl3, although the solid has a lot of covalent character. The solid consists of a close-packed array of chloride ions, where two-thirds of the octahedral holes are filled with aluminum ions. ठीक है, तो इस तरीके से हम अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। सो सेकंड प्रोसेस कौन से, बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कोक इन करंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पर हम हीट करते हैं मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्या एल्युमिनियम, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेन यूज करता हूँ, दिस इज द रिएक्शन हियर। तो मिक्सचर्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कोक को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और वहां से क्लोरीन पास करते हैं, ठीक है, ठीके? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम करते हैं, कोक और क्लोरीन गैस वहां से पास करते हैं, तो हमको एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड कौन से, बाय हीटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड इन स्टीम ऑफ सल्फर क्लोराइड, ओके, सल्फर क्लोराइड के स्टीम से, ठीक है, यहाँ पर हम हीट करते हैं, ओके,
एंड क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन गैस भी पास करते हैं वहां से, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सल्फर क्लोराइड का मिक्सचर से, वेपर से, और क्लोरीन गैस भी वहां से पास करते हैं, तब हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट्स, 8AlCl3 के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 6SO2 गैस मिलता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। सो इस तरीके से हम अनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस इज द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर 6H2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो प्योर एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, प्योर एल्युमिनियम क्लोराइड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, यहाँ पर हमको देखना है Cl, ठीक है, यहाँ पर Cl है, ठीक है, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो प्योर एल्युमिनियम क्लोराइड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी वो सोल्यूबल होता है, ठीक है। इट इज सब्लाइम्स एट 183°C, कितने डिग्री सेल्सियस पर वो सब्लाइम होता है, मतलब क्या है, सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्ट, सॉलिड इज डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है, और वेपर भी बोल सकते हो, ठीक है, वेपर में उसका डायरेक्ट कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है, 183°C पर। इट इज एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक, मतलब क्या, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने वाला, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने वाला, एंड फ्यूम्स स्ट्रांगली इन मॉइस्ट एयर, ओके, फ्यूम्स को और मॉइस्चर को क्या करता है वो एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, और ड्यू टू हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म HCl, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शंस, अगर ये इसके प्रेजेंस में मॉइस्चर अगर है तो वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेगा और क्या फॉर्म करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। देन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट्स वेपर डेंसिटी एट बिलो 350°C इंडिकेट दैट इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इज Al2Cl6, ठीक है, इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, Al2Cl6, ठीक है, मतलब अगर हमने Al2Cl3 लिखा, Al2Cl6, ठीक है, तो AlCl3 के दो मॉलिकुल्स, ठीक है, तो हम जनरल फार्मूला इस तरह से लिखते हैं Al2Cl6, ठीक है। जब हम उसकी इट्स वेपर डेंसिटी मतलब आपको पता है उसके पार्टिकल की एक समझो हमने पर्टिकुलर गैस लिया है और उसका रिलेटेड हम उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, हाइड्रोजन गैस से करते हैं, तो उसकी वेपर डेंसिटी, पार्टिकुलेट वेपर डेंसिटी कितनी होती है, ओके, उसकी वेपर डेंसिटी कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 350°C पर कितनी होती है, तो इतने डिग्री सेल्सियस पर वो कौन सा फार्मूला इंडिकेट करता है, Al2Cl6, ओके। हाउएवर द वेपर डेंसिटी एट 750°C करस्पॉन्डिंग टू AlCl3 एज इट्स मॉलिकुलर फार्मूला, अगर 750°C इतना टेम्परेचर पर वो कौन सा फार्मूला इंडिकेट करता है, AlCl3, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 350°C पर वेपर डेंसिटी, इतने वेपर डेंसिटी पर उसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है कौन सा होता है, Al2Cl6 होता है, और 750°C पर उसका मॉलिकुलर फार्मूला AlCl3 होता है, ठीक है। व्हेन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इट्स फर्निशेस क्रिस्टल ऑफ डो डिकोसोहाइड्रेट, ओके, मतलब ये डो डिकोसोहाइड्रेट मतलब 12H2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एल्यूमिनियम Al2Cl6 के साथ 12H2 के मॉलिक्यूल्स भी एड हो जाएंगे, ठीक है। हाउएवर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इट एग्जिस्ट एन AlCl3, ठीक है, जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ओके, एक्वस सॉल्यूशन में वो इस तरह का फॉर्म हमको दिखाई देता है, एल्युमिनियम Al2Cl6.12H2 के मॉलिक्यूल्स, इस तरह का फार्मूला हमको दिखाई देता है, और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसका फार्मूला AlCl3 होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है विद डोनर मॉलिक्यूल्स, जैसे अमोनिया हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, फॉस्फिन हो गया, ठीक है, तो इन कंपाउंड के साथ ये कैसे डोनर्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके साथ कंबाइन होके एडिशन कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे अगर ये अमोनिया के साथ कंबाइन हो जाता है तब यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड 6NH3, ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एलम, ठीक है, एलम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सो द टर्म एलम इज गिवन टू डबल सल्फेट ऑफ द टाइप M2SO4, ठीक है,
एम टू यहाँ पर कोई भी मेटल से यहाँ पर लिया है और ये डबल सॉल्ट है, ठीक है, दो मेटल का, दो आयंस का, यूनिवेलेंट और ट्रायवेलेंट, ठीक है, मेटल आयंस का एक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, ठीक है, उसका फार्मूला M2SO4.M2-SO4/324H2 ऐसा होता है, ठीक है, वेयर एम इज क्या होता है, एम यहाँ पर ये जो है यूनिवेलेंट होता है, मतलब यूनिवेलेंट का मतलब क्या, जैसे सोडियम पॉजिटिव एक ही वैलेंसी उसकी, तो ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। देन सोडियम, जैसे यहाँ पर देखो सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव, तो यम की जगह हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यम की जगह अगर हमने ये पुट कर दिया, अगर ये पोटेशियम पुट कर दिया यहाँ पर, तो पोटेशियम एलम बन जाएगा, ठीक है। और यम टू का मतलब क्या होता है, ट्राइवेलेंट, कोई भी ट्राइवेलेंट यहाँ पर आयन होता है, ठीक है, जैसे कटायन, ट्राइवेलेंट कटायन होता है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, Fe3 के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, और क्रोमियम के पास भी 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर M- के जगह पर अगर हमने एल्यूमिनियम फेरस या क्रोमियम रख दिया तो उसका कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इन एलम इच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इच मेटल आयन को यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये मेटल आयन और ये मेटल आयन कैसे सराउंड होता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप पोटेश एलम का ये फार्मूला है, सोडियम एलम का ये फार्मूला है, मतलब यहाँ पर सोडियम यूज करते हैं हम, यहाँ पर पोटेशियम हमने यूज किया, यहाँ पर अमोनियम यूज किया है, यहाँ पर अमोनियम और फेरस भी यूज किया है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक एलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम हमने यूज किया, तो क्रोम एलम बोलते हैं उसको, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एलम्स। देन लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम्स, लिथियम एलम फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज लिथियम आयन इज टू स्मॉल, ये कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फॉर्म ओके एलम्स, ओके, मतलब क्या, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता, ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है सब, ठीक है, तो लिथियम बहुत छोटा होने की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। सो पोटेश एलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली नोन एज एलम, ये आपको सबको पता है पोटेश एलम, जो हम हमारे घर में भी यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देन उसकी हम प्रिपरेशन देखेंगे, सो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फ्रॉम बॉक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, बॉक्साइड से या एल्यूमिनियम सल्फेट से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, बॉक्साइड या एल्यूमिनियम सल्फेट से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बॉक्साइड इज बॉइल्ड विथ H2SO4, बॉक्साइड को H2SO4 में बॉइल्ड किया जाता है, तो हमको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट मिल जाएगा, ओके। तो इस सोल्यूशन में फिर से कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट डाला जाता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट डाला जाता है, तो उसका कन्वर्शन कहाँ पर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, पोटेश एलम में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो पोटेश एलम में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसका वीडियो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, किस तरह से फॉर्म होता है पोटेश एलम, ठीक है। सेकंड जो मेथड है प्रिपरेशन, फ्रॉम पायराइट सेल, ओके, पायराइट सेल आपने देखा होगा, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पायराइट सेल का, इस तरह का एक स्टोन होता है, ओके, एक स्टोन होता है, या ये स्वीडन में भी पाया जाता है, जैसे यहाँ पर स्वीडन रॉक, ओके, स्वीडन एक प्लेस है, कंट्री है, उसमें वहाँ पर ये पायराइट सेल या एलम सेल बोलते हैं हम उसको, ये पाया जाता है, ऐसे बड़े बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पायराइट सेल्स। तो इस पायराइट सेल से भी हम क्या कर सकते हैं, एलम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एलम सेल मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है विथ पायराइट, ठीक है, इसमें पायराइट भी होता है, इज रोस्टेड व्हेन आयरन सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरस सल्फेट, ठीक है। तो जब हम रोस्ट करते हैं तब आयरन सल्फाइड का कन्वर्शन किस में हो जाता है, फेरस सल्फेट में हो जाता है एंड H2SO4 में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप फेरस सल्फाइड की रिएक्शन सम, ठीक है, वाटर के साथ करते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, तब यहाँ पर फेरस सल्फेट फॉर्म होता है और H2SO4 फॉर्म होता है, ठीक है। देन बाद में यहाँ पर FeSO4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और H2SO4 भी है प्रेजेंट, तो उसकी रिएक्शन लैटर रिएक्ट विथ एलुमिना, बाद में इसकी रिएक्शन एलुमिना के साथ करते हैं हम, ओके, एलुमिना ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट लिविंग बियॉन्ड सिलिका, यहाँ पर सिलिका रिमेन रहता है, ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर देखो इसकी रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ की है, एल्यूमिना
और एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ की है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, Al2SO4/3 प्लस एक्स SiO2, ये SiO2 निकल जाएगा, एसिड्यू करके बाहर निकल जाएगा, ओके। और वाटर भी यहाँ पर मिलेगा हमको, ठीक है। तो सिलिका इज रिमूव, यहाँ से सिलिका रिमूव हो चुका है। बाद में इसको फिल्टर करते हैं हम, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ओके। इसको हम इवेपरेट करते हैं और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को यहाँ से रिमूव करते हैं। इवेपरेशन करने के बाद मतलब ये क्या, सॉल्यूशन में कौन कौन से दो कंपाउंड्स प्रेजेंट है अभी, फेरस सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये प्रेजेंट है। अगर हमने इसको इवेपरेट कर दिया तो फेरस सल्फेट ये इवेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है इवेपरेट हो जाएंगे और हमको एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज एडेड, बाद में उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, पोटेशियम सल्फेट को ऐड किया जाता है, ओके। जो मदर लिकर होता है ये तो क्रिस्टल फॉर्म में निकल चुका है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर बचा है इसमें पोटेशियम सल्फेट डाला जाता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट डालने की वजह से इसमें उसका कन्वर्शन, उसको कूल किया जाता है तो उसका कन्वर्शन पोटेश एलम में हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन थर्ड जो प्रिपरेशन है वो कौन से, फ्रॉम एलोनाइट। एलोनाइट से भी हम क्या कर सकते हैं, या एलम स्टोन से भी हम क्या कर सकते हैं, एलम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एलम स्टोन इज बॉइल्ड, एलम स्टोन को बॉइल किया जाता है विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बॉइल किया जाता है। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट डाला जाता है, तो यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स ऑफ एलम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन है इसमें, K2SO4.Al2SO4, ओके, .4AlOH3 प्लस 6H2SO4, ठीक है। यहाँ से हमको पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा और 12H2 के वाटर मिलेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बाद में यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट डाला जाता है तो यहाँ पर हमको पोटैश एलम मिलता है, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम एलम स्टोन, ओके। तो इसका वीडियो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते, प्रिपेयर कर सकते हैं पोटेश एलम को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलम, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, प्रिपरेशन किस तरह से होता है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो उसके अवेलेबल है, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है एलम की वो कौन से, पोटैश एलम इज अ वाइट क्रिस्टलिन, ठीक है। ये कैसा होता है, पोटैश एलम इज अ वाइट क्रिस्टलिन कंपाउंड, वाइट क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक, इसका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट से हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाने की वजह से ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट, ठीक है। ऑन हीटिंग इट लॉसेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हीट करने की वजह से वहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, मतलब इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स वो लॉस कर देता है एंड स्वेल अप और स्वेलिंग होता है उसमें, ठीक है। सो इट इज डबल सॉल्ट एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिव्स रिएक्शंस ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जैसे यहाँ पर पोटेशियम पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव या SO4 नेगेटिव आयंस के हमको डबल सॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ एलम। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहला जो प्रॉब्लम है, थर्माइट और मिक्सचर्स यूज फॉर वेल्डिंग। जो थर्माइट है ये कहे किसका मिक्सचर है जो हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए हम जो हम यूज करते हैं, तो इसका मिक्सचर होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ये फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आपने, हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस किस तरह से होती है,
यहाँ पर देखो ट्वाइस Al एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम करते हैं Fe2O3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में Al2O3 फॉर्म होता है प्लस 2 Fe मिलता है हमको। तो इस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो ठीक है दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ये, ठीक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो डेल एच है ये निगेटिव होता है ठीक है। तो बहुत सारी हीट यहाँ से बाहर निकलती है, सो दिस हीट इज यूज फॉर द वेल्डिंग, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर्स, कार्बन के साथ उसके रिएक्शन करते हैं, हम हीट करते हैं उसको, तो एलुमिना फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्म करता है एलुमिना, क्या फॉर्म करता है मतलब एलुमिना की रिएक्शन अगर हम कार्बन के साथ करते हैं, उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो क्या फॉर्म होता है। यहाँ पर देखो ऑप्शन एल्यूमिनियम कार्बाइड फॉर्म होता है, या एल्यूमिनियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, या एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है, या एल्यूमिनियम कार्बेट फॉर्म होता है। तो हमने रिएक्शन देखी थी यहाँ पर, ठीक है। तो ट्वाइस Al2 इसकी रिएक्शन होती है 3+9C, तो इसको हम हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Al4C, मतलब एल्यूमिनियम कार्बाइड यहाँ पर फॉर्म होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है एल्यूमिनियम कार्बाइड, ओके एल्यूमिनियम कार्बाइड फॉर्म होता है, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहाइड्रस AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बिकॉज ऑफ, ये किससे होते हैं अनहाइड्रस AlCl3 फ्यूम्स, ये किसके वजह से होते हैं, ओके क्या होता है उसमें अनहाइड्रस AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बिकॉज ऑफ, इसके कारण होता है ये। तो यहाँ पर देखो ये जैसे आपको बताया एल्यूमिनियम क्लोराइड ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है, मतलब मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है या फ्यूम्स एब्सॉर्ब कर लेता है, ओके मतलब इट इज एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक एंड फ्यूम्स स्ट्रांगली इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म HCl, ठीक है यहाँ पर HCl फॉर्म करता है। इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, ठीक है रिएक्शन देख लेते हैं, AlCl3+3H2O, ठीक है इसकी रिएक्शन होती है, तब हमको क्या मिलता है AlOH, ठीक है 3+3HCl, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन, सो यहाँ पर HCl हमको मिलता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द, ओके हमने हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा है और एलम के बारे में आज।